कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे। ठाकुर के कुआं पर ये लोग भड़कते क्यों? हाँ, एक जमाना था कि सच में जो है दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को उस कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, खटिया पर हमारे यहाँ लोगों नहीं बैठने देते थे। अब देखें सर, हाँ हम खुद जो है बचपन में पढ़ने गए, एक बाबू साहब के दरवाजे पर खटिया पर हम लोग देखे कि उन्होंने कहा कि खटिया पर मत बैठो, चौकी पर बैठो। खटिया को लोग मानते थे कि मेरा प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और बूथों पर तो हम लोग देखे हैं कि एक बार घूम करके शाम को कह देते थे कि आप लोग वोट देवे मत जिहा, अब बाकी सब हमने के देख ले जहाँ। तो जितने पिछड़े दलित गरीब लोग थे वो डर के मारे बूथों के तरफ देखने, वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, उन लोग को पतो नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। अपना घर में बैठे अपना रोजमर्रा के काम में है, इलेक्शन यही लोग आगे आगे करके बूथ छाप छुप करके जीता करके भेज दे। ठाकुर का कुआं उसी पर उन लोगों के दबंगई के बल पर के आधार पर ठाकुर कुआं लिखा गया। चेतन आनंद बोल रहे थे कि हम अपने माँ से मिलना चाह रहे थे, अपनी माँ से, तो हमको जाने नहीं दिया गया। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जब एएसएसपी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उनके घर का कोई दरखास्त दिया है कि मेरे माने घर के चेतन आनंद को किडनैपिंग किया गया है। तो उन्होंने ही कहा प्रशासन के सामने कि हम स्वेच्छा से यहाँ हैं, और लिखित भी दिया, उसका वीडियो भी बनाया गया। उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया, और मोबाइल चूँकि ऑन था, फिर उनके घर से क्या क्या बात हुई बाद में, हाँ बातचीत हुई, अब उन्होंने बाद में कहा कि हमको यहाँ से जाने दिया जाए। तो हुआ कि भाई अब रात भर का मामला है, किस लिए जा रहे हैं, तो नहीं जाने दिया जाए। तो मतलब फिर हुआ कि भाई जाने देने में दिक्कत ये थी कि अगर किसी को इस रात में हम छोड़ते हैं और कोई घटना उनके साथ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। तो हम लोग बोले कि भाई प्रशासन के सामने बुला करके प्रशासन के समक्ष उनको सौंप दिया गया। अच्छा, एक तेजस्वी जी का आवास में मोबाइल सबका ऑन था आपके पास? हाँ, सब लोग का मोबाइल, उसी में गड़बड़ हो गया। अब ये गड़बड़ किस लिए हुआ, लेकिन मोबाइल वहाँ कोई किसी की आज़ादी पर 1% भी कहीं से पाबंदी नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल कह रहा था कि खेला हम लोग करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ में खेला हो गया है। तीन उनके जो विधायक थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, तीनों आदमी जाकर के एनडीए में सरकार बना ली। हमारे साथ में जीरादेई से सीपीआईएम के विधायक, सीपीआईएमएल के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। सर, खेला करने का आप लोग पहले से कह रहे थे, आप ही लोगों के साथ खेला हो गया। देखिए, बात खेला का नहीं है, बात भाजपा के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ाई की है, और इस लड़ाई को हम लोग दम के साथ लड़ते हैं, लड़ेंगे भी और एक दिन जीतेंगे भी। इसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया इस लड़ाई को जीत लेने का, तो ज़रूर जो है उसमें जीत नहीं हो पाई, लेकिन ये बात हमारी लड़ाई आज भी जारी है। और ये बिल्कुल आप मान करके चलिए कि खेला करने का काम या तोड़ फोड़ करने का काम देश भर में जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी करते रही है। खरीद फरोख्त का काम भारतीय जनता पार्टी करते रही है, और आप कई राज्यों में देखे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त के बल पर सरकारें बनाया है, और कई राज्यों को डिस्टर्ब किया है लोगों ने। झारखंड को भी पिछले दिनों डिस्टर्ब किया है, और अथी से कर्नाटका से शुरू करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक आप सारा खेल देखे। पिछले दिनों बिहार में भी उन लोगों ने यह कोशिश चलाया था, जिसके डर से भाग करके माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश जी हैं हम लोगों के साथ आए थे, और उन्होंने वादा किया था कि भाजपा को हमें रोकना है, तो हम सब लोगों ने मिल करके उनको स्वागत किया था कि चलिए कम से कम आकर सब लोग मिल करके हम लोग भाजपा को रोकेंगे, और उस लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी पता ना बताते नहीं हैं, ऐसा कुछ बताते हैं जिस पर लोगों को भरोसा भी नहीं होता है, या उतना वाजिब तर्क और कारण लगता नहीं है, और वो चले गए फिर से उधर लड़ाई छोड़ करके। तो लड़ाई आप हमारी लोग जारी है। क्वारंटाइन किए हुए थे सारे विधायक जब थे, तो आपको लग रहा है कि वो लोग जाने वाले थे? आप लोग तो साथ खा पी रहे थे एक साथ, किसी कपड़ा भी लड़ाई में एकजुटता सबसे बड़ी चीज है, और एकजुट होकर के रहना क्वारंटाइन नहीं है, बंदी नहीं है, और किसी को जोर जबरदस्ती बंद भी नहीं किया गया। सबकी सहमति से हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को एक जगह रहना है, ताकि जो है
किसी भी जैसे किसी भी के ऊपर कोई तरह के देखे ये लोग बहुत सातिर किस्म के लोग हैं, सरकार है, किसी को कुछ कर सकता है, किसी को गिरफ्तार करेगा, किसी को जेल में डालेगा, किसी को ये करेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग एकजुट रहेंगे और एकजुट रह करके तेजस्वी जी के आवास में अपना सब साथे थे, प्रहलाद यादव भी वहीं थे जहाँ आप लोग थे, बाकी आप भी थे, बाकी राजद के भी नेता थे विधायक, कैसे प्रहलाद यादव अब कैसे तो ये तो बात वो बताएंगे लेकिन साथ में तो थे और 12 तारीख को सुबह तक नाश्ता वास्ता खाना तो आपके अच्छे मित्र हैं सर? हमारे मित्र नहीं है, हमारे उनसे कोई दोस्ती ही नहीं है, कोई भेंटे मुलाकात नहीं है, सदन में कभी काल देख लेते हैं, हमसे बातचीत भी नहीं है, तो मित्र कहाँ से? 12 बजे तक ठीक है बोल रहे थे ना वो, हम लोग थोड़े ना पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम तो मान के चल रहे हैं कि सब लोग हम लोग एक साथ हैं, एक साथ जाएंगे और एक साथ एकजुटता जाहिर करेंगे। अब जा करके कोई गद्दारी करके इधर से पल्ला पल्ला बदल के उधर बैठ जाए, अब कहाँ से डीलिंग हुआ है, किस सवाल पर डीलिंग हुआ है, तो ये तो वही बता। तेजस्वी जी के आवास में मोबाइल सबका ऑन था? हाँ, सब लोग का मोबाइल, उसी में गड़बड़ हो गया। अब ये गड़बड़ किस लिए हुआ, लेकिन मोबाइल वहाँ कोई किसी की आज़ादी पर 1% भी कहीं से पाबंदी नहीं थी, सब लोग फ्री घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मिले का बगल के थोड़ी दूरी पर बेड था, बगल में ही साथ में लगा था जगह जगह बेड, उसी में लाइन में वो भी। चेतन आनंद बोल रहे थे कि हम अपने माँ से मिलना चाह रहे थे, अपनी माँ से, तो हमको जाने नहीं दिया गया। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जब SSP वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उनके घर का कोई दरखास्त दिया है कि मेरे माने घर के चेतन आनंद को किडनैपिंग किया गया है, तो उन्होंने ही कहा प्रशासन के सामने कि हम स्वेच्छा से यहाँ हैं और लिखित भी दिया, उसका वीडियो भी बनाया गया, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया और मोबाइल चूँकि ऑन था, फिर उनके घर से क्या क्या बात हुई बाद में, हाँ बातचीत हुई, अब उन्होंने बाद में कहा कि हमको यहाँ से जाने दिया जाए, तो हुआ कि भाई अब रात भर का मामला है, किस लिए जा रहे हैं, तो नहीं जाने दिया जाए। तो मतलब फिर हुआ कि भाई जाने देने में दिक्कत ये थी कि अगर किसी को इस रात में हम छोड़ते हैं और कोई घटना उनके साथ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेवार होगा, तो हम लोग बोले कि भाई प्रशासन के सामने बुला करके प्रशासन के समक्ष उनको सौंप दिया गया। अच्छा एक चीज़ बता रहे सर कि जैसे मोबाइल में सबका चालू था, हेलो हेलो फोन पर तो गपियाए नहीं होगा, हमको लगता है व्हाट्सएप पर खेल हो गया। अब जैसे भी करता हो हम लोग भी बतियाते थे तो अपने घर बाल बच्चा परिवार, तो महबूब आलम से बात किया कि बोले पतरका कमलिया मिलल है, सतीश दास जी सब लोग बतियाते थे, हम लोग कोई हम लोग आप लोग से बात कर ही रहे थे, सारा सामान जो जरूरत था। एक चीज अब जरूरी सवाल है कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है? पानी चेतन आनंद ने लिखा है कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे और सबसे पहले तेजस्वी यादव और आप लोग को पानी पिला दिए सदन में। किस संदर्भ में वो कहे हैं वो तो आप समझ रहे हैं सर, आप पूरा बिहार समझ रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर के कुआं पर ही लोग भड़कते क्यों हैं। हाँ, एक जमाना था कि सच में जो है दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, शोषित लोग जो है समाज के, अछूत जिनको कहते थे लोग, उन लोगों को उस कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसको ले करके वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता भी उस जमाने में लिखी गई और कविता जो है बहुत फेमस है, देश दुनिया में पढ़ा जाता है। हाँ। तो जब इस कविता को पार्लियामेंट में पढ़ा गया, जिसकी कोई जिसको आज तक कोई गैर संसदीय कहा नहीं गया, इस पर भड़क गया कोई, तो अब क्या कहिएगा? इरफान खान बड़े कलाकार हैं, इतना इसका पढ़ा है, कितना कितना लोग बोलता है जो समाज में। देखिए आज के 100 साल पहले, आज के 50-60 साल पहले, 100 साल छोड़ दीजिए, और हम लोग जब बचपन में थे तब की बात बता रहे हैं, इस तरह का भेदभाव समाज में था, खटिया पर हमारे यहाँ लोगों नहीं बैठने देते थे। अब देखें सर, हाँ हम खुद जो है बचपन में पढ़ने गए, एक बाबू साहब के दरवाजे पर खटिया पर हम लोग देखे कि उन्होंने कहा कि खटिया पर मत बैठो, चौकी पर बैठो। खटिया को लोग मानते थे कि मेरा प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, और बूथों पर तो हम लोग देखे हैं कि एक बार घूम करके शाम को कह देते थे कि आप लोग वोट देवे मत जहाँ, अब बाकी सब हमने के देख ले जहाँ। तो जितने पिछड़े दलित गरीब लोग थे वो डर के मारे बूथों की तरफ देखने, वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, उन लोग को पतो नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, अपना घर में बैठे अपना रोज़मर्रा के काम में है, इलेक्शन यही लोग आगे आगे करके बूथ छाप छुप करके जीता करके भेज देते थे। कि आज
तो ये दबंग लोग जो थे गांव में ऐसा करते थे उस जमाने में, और वही ठाकुर का कुआं उसी पर उन लोगों के दबंगई के बल के आधार पर ठाकुर कुआं लिखा गया। आप चाहते हैं कि सर कि इस कविता, बहुत छोटी कविता है, आप पढ़ दीजिए सर। अच्छा, हमारा तो चश्मा लिए नहीं है, भूल गया। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, वाह। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर देश, यही कविता है बस। इसमें क्या गलत, क्या गलत, कोई गलत नहीं है। इसी पे सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिरी है, बहानाबाजी है, दूसरा मामला है, सेटलमेंट दूसरा था। हाँ। बहानाबाजी है, अब कोई ना कोई कहीं जाता है तो कोई ना कोई बहाना बोलता है ना। आप लोग लाल सलाम वाले खुल के बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ कहाँ छुप कर बोल रहे हैं कि आनंद सिंह बाहुबली है, आनंद मोहन बाहुबली है, आए को प्रहलाद यादव बालूबली है, वो बालू माफिया। ये सब काहे नहीं करवाइएगा, आप सब आप ही लोग जानते हैं, तो आपके मित्र सत्येंद्र यादव ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, बोले बहुत शुक्रिया सर।